आगामी छठ महापर्व को लेकर रांची के कांके डैम घाट पर साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहां पहुंचकर घाटों का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिया कि घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई त्योहारों में से एक छठ एक महत्वपूर्ण त्योहार है। रांची अनेक तलब है जिसका साफ सफाई व्यक्तिगत तौर और सरकारी तौर पर भी किया जाता है। वहीं आज हम लोग कांके डैम पहुंचे हैं। यहां सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है। देखिए, छठ घाट अभी छठ पर भी है, कई त्योहारे हैं, लेकिन छठ बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आज रांची शहर में कई लेक हैं, कई रिजर्वायर हैं, कई नदियां हैं, छोटे बड़े सभी जगहों पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और इसको लेकर छठ घाट सरकारी तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी उसका साफ सफाई किया जाता है। आज उसी क्रम में यहाँ आज कांके डैम में हम लोग आए हैं। छठ घाट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीजें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिख रहा है और शायद इसकी वजह से यहाँ पर रखरखाव को लेकर थोड़ा सा यहाँ का जो टूरिज्म एरिया है उस पर थोड़ा सा इसको देखने की आवश्यकता है। अभी इन सब चीजों को हम लोग देख के जा रहे हैं, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे मुखिया हैं, जिला परिषद हैं। हमारा आग्रह होगा कि इस विषय पर उन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीजों को देखें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।